क्वेश्चन नंबर फोर पेपर वन। ये क्वेश्चन जो है स्ट्रिंग वेव में स्टेशनरी वेव का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि एक स्ट्रिंग जो है दैट इज फिक्स्ड एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड द अदर एंड इज वाइब्रेटिंग, ओके, एंड द स्टेशनरी वेव आर फाउंड इन द स्ट्रिंग, ओके। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास चार इक्वेशंस दी हुई हैं, दैट इज ऑफ स्टेशनरी वेव, और उसमें हमें ये देखना है कि एक एल इक्वल टू 3 मीटर लेंथ की स्ट्रिंग है, उसमें ये कौन कौन सी वेव्स आ सकती हैं, जिसमें क्या है कि एक्स इक्वल टू जीरो पर तो नोड बनना चाहिए और एक्स इक्वल टू अदर एंड मतलब दूसरे एंड की अगर हम बात करें, एक्स इक्वल टू एल पर हमारे पास एंटी नोड बनना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि 100 मीटर्स पर सेकेंड से वेव मूव कर रहा है। तो मैंने सबसे पहले ये चेक किया है कि हर वेव की इक्वेशन के अंदर ओमेगा और के अकॉर्डिंग हमारे पास स्पीड ऑफ वेव जो है वो 100 मीटर्स पर सेकेंड है। तो पहले वेव की स्पीड जो है वो चारों ऑप्शंस में सही आ रही है। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि देखिए एक पॉइंट पर नोड और दूसरे पॉइंट पर एंटी नोड बनने के लिए क्या जरूरी है, कि एक पॉइंट पर नोड और दूसरे पॉइंट पर एंटी नोड के लिए जरूरी है कि जो लेंथ है वो λ/4 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखते हैं किसके अकॉर्डिंग आता है। सबसे पहले ए ऑप्शन चेक कर रहा हूं मैं। ए ऑप्शन के अंदर जो हमारे पास के की वैल्यू है दैट इज π/6, और इससे अगर हम लैम्डा कैलकुलेट करें दैट मीन्स 2π/λ इक्वल्स टू π/6 एंड दैट विल इम्प्लाई दैट लैम्डा इज 12 मीटर्स, ओके। और अगर हम इसको लेंथ से रिलेट करना चाहें देन लेंथ इज अवर λ/4। देखिए लैम्डा 12 मीटर है और दिस इज λ/4, 3 मीटर आ जाएगा। 3 मीटर की लेंथ में ये वाली वेव हम जनरेट कर सकते हैं, ओके। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद बी ऑप्शन के अंदर के की वैल्यू π/3 है एंड दैट इम्प्लाई 2π/λ इक्वल्स टू π/3, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास लैम्डा जो आ जाता है वो 6 मीटर आता है। और अगर हम लेंथ और लैम्डा में रिलेशन फाइंड आउट करें तो दैट इज λ/2, λ/2 विल बी 3 मीटर, ओके। तो ये इस इक्वेशन में दोनों एंड्स पर नोड बनेगा, ओके। सी ऑप्शन में अगर देखें दैट इज k इक्वल्स टू 5π/6 एंड दैट विल इम्प्लाई 2π/λ दैट विल बी इक्वल टू 5π/6 एंड दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा इज 12/5 मीटर, और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो लेंथ अगर हम रिलेट करना चाहें तो लेंथ आ जाएगा हमारे पास 5λ/4, दैट विल बी 5λ/4, और 5λ/4 भी वन एंड नोड एंड अदर एंड विल बी एंटी नोड। एंड द डी ऑप्शन के इक्वल्स टू के की वैल्यू हमारे पास है दैट इज 5π/2 एंड दैट इम्प्लाई 2π/λ इक्वल्स टू 5π/2 एंड दैट विल गिव लैम्डा इज इक्वल टू 4/5 एंड इफ यू रिलेट विद द लेंथ दैट इज 15λ/4। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ए सी और डी ऑप्शंस के अंदर जो है लेंथ है वो λ/4 का ऑड मल्टीपल आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये तीन ऑप्शन सही हो जाएंगे। ए सी डी आंसर विल बी योर ए सी डी।